न्यूज क्लिक की तरफ से आप सबका खबरची भाषा के साथ मीडिया पर खरी खरी कार्यक्रम में स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। मेरा नाम है भाषा। इस कार्यक्रम के लिए मैं हूँ खबरची। जी हाँ, सही समझा आपने, खबरची भाषा। खबरची यानी जो सबकी खबर ले और सबको खबर दे। We are against the death penalty. They pick up these हिंसा भड़काने के लिए आपको वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हमारी कोशिश रहती है मीडिया की पड़ताल करने की। मीडिया ने क्या खबर दिखाई और क्या नहीं दिखाई, इसकी छानबीन करते हुए हम पहुंचते हैं पॉलिटिक्स ऑफ न्यूज पर, ताकि बातें हों खरी खरी। ऐसा करना आज के दौर में और भी बेहद जरूरी है। न्यूज की दुनिया में पिछले दिनों हमने बॉलीवुड हॉलीवुड दोनों को मात करने वाला थ्रिलर ड्रामा देखा, जिसे मुख्य धारा का एक बड़ा अखबार डांस ऑफ डेमोक्रेसी भी कहता है। यहां हम बात कर रहे हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव और उसके बाद जो वहां हुआ, उसके बारे में कैसे मीडिया ने दिखाया, क्या क्या नहीं किया, और खास तौर से कर्नाटक में 2-2.5 दिन के भाजपा के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने जब बहुमत नहीं साबित कर पाए और सदन में इस्तीफा दिया, उसके बाद मीडिया ने जो किया, मेरे ख्याल से हम सबको शर्मसार करने वाला था। पूरे मीडिया में इसे येदियुरप्पा का अटल क्षण बताने की कोशिश की गई। अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस तरह से इस्तीफा दिया था लोकसभा में, ठीक उसी तरह से। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग बताने लगे कि ऐसा बलिदान है जो 2019 में भाजपा का कमल पूरे देश भर में खिलाएगा। बड़ी बात यही है कि बीजेपी ने इस्तीफे का मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। जो आज से 22 साल पहले हुआ था, वही दोहराया जा रहा है। याद कीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में वोटिंग से पहले रिजाइन किया था, और फिर क्या हुआ था ये बताने की आपको जरूरत नहीं है। पिछले दिनों मीडिया में हमने क्या कुछ नहीं देखा, बॉलीवुड हॉलीवुड को मात देने वाला थ्रिलर ड्रामा। मुद्दा था कर्नाटक चुनाव। कर्नाटक चुनाव के बाद जिस तरह से वहां पर भाजपा की सरकार बनाने की कोशिश की गई, और जब वो कोशिश विफल रही, जब येदियुरप्पा ने सदन में इस्तीफा दिया, तो मीडिया का पूरा एक धड़ा, या यूं कहिए कि कुछ अपवादों को छोड़ दें तो सारा का सारा मीडिया सहानुभूति की डुबकी लगाने को तैयार था। सुप्रीम कोर्ट आधी रात को खुलता है तो सिर्फ आतंकवादियों के लिए या फिर नेताओं के लिए जिन्हें सत्ता चाहिए होती है। सारे लोग इसे येदियुरप्पा का अटल क्षण बता रहे थे कि उन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी, कितना बड़ा त्याग किया। साथ ही साथ यह भी बताया जा रहा था कि इस त्याग की वजह से 2019 के आम चुनावों में कमल ही कमल खिलेगा, और इसमें एक चैनल से दूसरे चैनल में होड़ लगी हुई थी। अखबारों के संपादकियों से लेकर तमाम न्यूज़ चैनल सब भाजपा की सरकार न बन पाने की वजह से रुदाली का रूप धारण किए हुए थे। एक टीवी चैनल एबीपी न्यूज़ ने तो भाषा की मर्यादा ही छोड़ दी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर एक कार्यक्रम चलाया जिसका टाइटल था, राहुल तेरे को खुद पे भरोसा नहीं क्या? और अब बात करेंगे उस भ्रष्टाचार की, जिस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 का पूरा चुनाव लड़ा, जिस भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर तीखे हमले करती रही है। आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक के सियासी ड्रामे के बहाने उसी भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला और पहली बार सीधे प्रधानमंत्री मोदी को भ्रष्ट कहा। हैरान हो गए ना, लेकिन सच में ऐसा कार्यक्रम दिन भर चलता रहा इस टॉप बैंड के साथ। एक बात साफ है कि जो खुन्नस भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और उनके बाकी मंत्री संतरी के स्वर में दिखाई दे रही थी, उससे आगे बढ़ चढ़कर मीडिया उस दुख में शामिल था। इस पूरे प्रकरण में मीडिया की जो भूमिका रही वो शर्मनाक रही, और वो अभी भी बनी हुई है। पूरे समय कोशिश ये की जा रही है कि यह दिखाया जाए कि जो कांग्रेस और जनता दल सेकुलर की सरकार बन रही है वो कितनी अनैतिक है। और तो और,
अभी तो कुछ टीवी चैनलों ने यह भी दिखाना शुरू कर दिया है कि कुमार स्वामी जो जिन्होंने अभी शपथ नहीं ली है कि वह कितने दागी मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक की कुर्सी संभालने जा रहे कुमार स्वामी की ये तस्वीर देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग पूछ रहे हैं कि कर्नाटक के भावी सीएम के साथ दिखाई दे रही ये खूबसूरत महिला कौन है। उनकी गोद में लाल फ्रॉक और पैरों में मोटी मोटी पायल पहने ये बच्ची किसकी है और कर्नाटक का क्या बर्बाद हाल होगा अगर ऐसा व्यक्ति कर्नाटक का मुख्यमंत्री बन जाता है। यानी येदुरप्पा और रेड्डी ब्रदर्स बहुत साफ, जो कि जेल में रहे, जिनके ऊपर तमाम तरह के आरोप, और दूसरी तरफ कुमार स्वामी अगर बनते हैं तो उनसे लोकतंत्र को कितना नुकसान होगा। ये जो पक्षधरता है, ये जो एक पूरा बायस है मीडिया का, वो खुलकर मीडिया के तमाम घरानों में बोल रहा है, अखबार से लेकर टीवी चैनल तक, और इसमें किसी को कोई शर्म लिहाज नहीं है। एक के बाद एक कार्यक्रम इसी लाइन पर, इसी ट्यून पर बनाए जा रहे हैं, प्रचारित किए जा रहे हैं, और एक बड़ी अवधारणा पैदा की जा रही है कि कर्नाटक में एक बहुत ही भ्रष्ट सरकार जो नहीं टिक पाएगी, जिसको गिरना तय है, ये तमाम कयास मीडिया के जरिए लगाए जा रहे हैं और एक पब्लिक परसेप्शन बनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं आर पार। एक पुरानी कहावत है कि दुश्मन के दुश्मन का अक्सर दोस्त बन जाते हैं, और देश की राजनीति में यही हो रहा है, क्योंकि बुधवार को कर्नाटक में सिर्फ कुमार स्वामी का शपथ ग्रहण नहीं होगा बल्कि शपथ ग्रहण के बहाने विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन होने वाला है, और इस शक्ति प्रदर्शन में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ चंद्रशेखर राव, मायावती, अखिलेश यादव, शरद पवार, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल और जाने कई और बड़े नेता पहुंचने की चर्चा भी है। इनमें से कई एक दूसरे के धुर विरोधी कहे जाते हैं, लेकिन सियासत का दौर ऐसा बदला है कि पीएम मोदी से हार का बदला लेने के लिए सबको साथ आना पड़ रहा है। तो क्या वाकई कर्नाटक में 2019 का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है? लेकिन अमित शाह ने भी आज कांग्रेस पर जोरदार और बड़ा हमला बोला, तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। दुश्मन भी मिल जाएंगे, लेकिन क्या मोदी को हरा पाएंगे? आज का आर पार इसी पर। कर्नाटक चुनाव से ही जुड़ा हुआ है तेल डीजल की कीमतों में उछाल का मामला। कर्नाटक में विधानसभा के लिए जैसे ही चुनावी समर शुरू हुआ, प्रचार ने जोर पकड़ा, तेल डीजल के दाम स्थिर। लग ही नहीं रहा था कि तेल और पेट्रोल के दाम इस तरह से बढ़ते हैं जैसे उससे पहले या उसके बाद में बढ़ रहे थे। पूरा का पूरा कंट्रोल सिस्टम था। जैसे ही कर्नाटक के लोगों ने अपने मतों पर मुहर लगा दी, केंद्र सरकार ने दोबारा इन दामों को बेलगाम छोड़ दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुकी हैं। कीमतें कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही हैं। लगातार 9वें दिन पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल फिर से 30 पैसे महंगा हो गया है। हर तरफ कोहराम मचा हुआ था, और इसके साथ ही साथ रुपया लगातार डॉलर की तुलना में गिरा जा रहा था। यानी अर्थव्यवस्था बहुत गहरे गंभीर संकट में फंसी हुई। लेकिन अगर आप टीवी चैनल उठा के देखें, अगर आप अखबार पढ़ें, इन तमाम जगहों पे कहीं भी ये ध्वनियां आपको दिखाई सुनाई नहीं देती। लगेगा ही नहीं कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से जनता इस तरह से त्रस्त है कि लोगों ने अपने आने जाने के रूटीन, अपने दफ्तर जाना, अपनी नौकरी करना, बाकी सारी चीज़ों को रीशेड्यूल करने पे मजबूर होना पड़ा। इसका अनुमान ही, इसका भाप होना ही नहीं देना चाहता मीडिया। मीडिया पर कहीं कोई चर्चा नहीं होती, और अब जब चर्चा शुरू हुई तो सरकारी पक्ष से चर्चा शुरू हुई। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ऐसा हो गया है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, या जो हमारे मंत्री हैं वह बता रहे हैं कि कोशिश की जा रही है। कर्नाटक चुनाव के बाद से अब तक पेट्रोल की कीमत में 2.24 रुपए का और डीजल में 1.89 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है। उधर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जल्दी पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने के संकेत दे चुके हैं, जबकि विपक्ष पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर लगातार मोदी सरकार को घेर रहा है। कहीं से भी इस पे विमर्श नहीं आ रहा कि इतना अगर जो दाम बढ़ा है वह क्यों बढ़ा है, और वो भी खास तौर से पेट्रोल और डीजल का, जिसपे पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, जो पहले से गहरे संकट में है। इसके बारे में कहीं कोई विमर्श, कहीं कोई चर्चा, कहीं कोई प्राइम टाइम डिस्कशन आपको नहीं दिखाई देता, कहीं मीडिया में ये मुख्य धारा की खबर नहीं बनती। वजह
वजह सिर्फ यह है कि इससे आम आदमी प्रभावित होता है और केंद्र में जिनकी सरकार है उस पर एक सवाल उठता है। केंद्र सरकार तमाम तरह के लीजिए बहाने बनाने में व्यस्त है और इस बारे में मीडिया में अभूतपूर्व खामोशी छाई हुई है। एनडीटीवी में रवीश कुमार के कार्यक्रम को छोड़ दें तो लगता ही नहीं है देखकर कि मीडिया को यह भास भी है, यह अनुमान भी है कि देश में पेट्रोल डीजल के दामों में आग लगी हुई है। क्या मीडिया घरानों की ओबी वैन, संपादकों पत्रकारों की गाड़ी मोदी राज में पानी से चलने लग गई है? वैसे भी 5000 साल पहले जब भाजपा के मुख्यमंत्री इंटरनेट की सुविधा होने की गारंटी दावा करते हैं तो क्या पता उनकी गाड़ियां या गाड़ियां ही क्यों कहें आधुनिक पुष्पक विमान भी महज मंत्रों के जाप से चलने लग गए हों। क्या मीडिया भी इसी तरह का मंत्र का जाप कर रहा है, ऐसा जाप जो सरकार के लिए हमेशा एक पॉजिटिव साइन, एक पॉजिटिव खबर के तौर पर आए और जनता के दुख दर्द पर आंखें मूंदे रखे? कुछ तकलीफ दे, बेहद दुख पहुंचाने वाली खबरें देश के तमाम कोनों में हो रही हैं, जो अक्सर अगर आप हिंदी के या बाकी अखबार पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा जानकारी भी नहीं होती, और अगर आप सिर्फ टीवी चैनल देखते हैं तो छोटा सा टिकर अगर चल जाए तो बहुत बड़ी बात है, वरना कहीं चर्चा नहीं। मध्य प्रदेश में एक गरीब दर्जी मुस्लिम व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। बात क्या हुई थी, क्या पूछे थे तुमसे? कितने लोग थे मारने वाले? और हैरानी की बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने उसकी हत्या करने वालों पर केस दर्ज करने से पहले केस दर्ज किया उस पे, उस गरीब व्यक्ति पर जिसकी मौत हो चुकी है। जिसके परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसकी लाश को वो ले पाते, उसके लिए भी उन्होंने चंदा किया। और सारा का सारा मीडिया इस पे ऐसे खामोशी से बैठा हुआ है, या जो खबर दिखा भी रहे हैं, खबर के छप भी रही है, उस खबर में दिखाया ये जा रहा है कि वह गाय काटने गया हुआ था। खबर मध्य प्रदेश के सतना से है, जहां पर गौरक्षा की खबर, गौकशी की खबर मिलने के बाद दो लोगों पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और एक शख्स बुरी तरह से जख्मी हो गया। इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज किया है और हमला करने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार भी किया है। जानकारी जो मिल पाई है उसके मुताबिक हमले वाली जगह से धारदार हथियार और मवेशियों के शव मिले हैं, जिनके आधार पर पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। इससे पहले की जांच होती, इससे पहले की पता चलता, किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, किस तरह से वो सुबह अपने परिवार वालों को, अपने छोटे बच्चों को क्या बोल के घर से बाहर निकला था। इस बारे में पड़ताल करने की मीडिया ने कहीं कोशिश नहीं की, कोई चर्चा नहीं किया, लेकिन खबर ये चली कि गाय मारने गया हुआ एक मुस्लिम व्यक्ति, उसको भीड़ ने मार डाला। यानी पहला अपराध उसका यह कि वह मुस्लिम था, दूसरा अपराध उसका यह कि उसके पक्ष में बोलने वाला कोई नहीं था, जिसके साथ वो गया हुआ है, वो अस्पताल में एडमिट है अभी। ये पूछा कि तुम कौन से जात हो रुका के, तो उसने बोला कि मैं मुसलमान जात हूँ, नाम बताया, जब नाम बताया तब उसके बाद वो मारने लगे। इस तरह की तमाम वाकयात मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में होते रहे हैं और लगातार हो रहे हैं, जैसे जैसे इन राज्यों में चुनाव होना है। इस तरह के तमाम जो घटनाएं हो रही हैं, इन पर बहुत सोची समझी ढंग से खामोशी मीडिया में है, कोई पड़ताल करने को तैयार नहीं है कि ये जो गौर रक्षक हैं, जो किसी भी मुस्लिम को ये तय कर देते हैं कि वह गाय मारने गया हुआ है, गाय खा रहा है, उसके पक्ष से खबर कैसे की जा सके ऐसे ऐसे वारदातों के बावजूद। ये सारा काम मीडिया में हो रहा है। ठीक इसी समय एक और खबर आती है गुजरात से कि एक दलित को, एक दलित जो रैक पिकर है, जो कूड़ा बिनता है, जो मेटल रैक पिकर है, उसकी किस तरह से पीट पीट के हत्या कर दी जाती है। बाबा,
लेकिन वहां पर दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, इस पे कोई बातचीत नहीं। इसके पक्ष में कोई भी मीडिया में एक संवेदनशील ढंग से रिपोर्टिंग नहीं आती है। मीडिया बहुत ही प्लांटेड वे से, बहुत ही सोचे समझे ढंग से बहस को एक दिशा से दूसरी दिशा में ले जाता है, और वो दिशा हमेशा सत्ता के पक्ष की दिशा होती है, जिससे कोई किसी को परेशानी ना हो, कोई गंभीर सवाल ना उठे। ऐसी हत्याओं के बावजूद उन राज्य सरकारों के खिलाफ कोई माहौल बनाने में मीडिया योगदान नहीं करता, कोई यह सवाल नहीं उठाता कि ऐसी FIR कैसे हो सकती है। इसकी वजह क्या? इसकी वजह यह कि ये सारे सवाल जो उठ रहे हैं, ये केंद्र सरकार या राज्य सरकार के खिलाफ उठ रहे हैं, उनकी नाकामी को पर्दाफाश करने के लिए उठ रहे हैं। और मीडिया ऐसा कोई जोखिम लेने को तैयार नहीं है जहां पर यह पता चले लोगों को कि इस तरह की आवाजें देश में बढ़ रही हैं, नाराजगी देश में बढ़ रही है। इस तरह की अवधारणा को पूरी तरह से दरकिनार करने की कोशिश मीडिया लंबे समय से करता आ रहा है, और आज की तारीख में उसकी ये कोशिशें और बेशर्मी भरी हो गई हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। बस एक गुजारिश के साथ मैं खबरची भाषा लेती हूं आपसे विदा कि हमारी आपकी पैनी निगाह लोकतंत्र के इस चौथे खंभे यानी मीडिया पर बनी रहनी चाहिए। गलत अवधारणाएं, नफरत की राजनीति को जिस तरह से मीडिया के जरिए प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है, उसका विरोध तो होना ही चाहिए। साथ ही विकल्पहीन नहीं है दुनिया, यह संदेश भी पहुंचना चाहिए। बेहतर कल के लिए चल रहे प्रयासों को सलाम। मिलते हैं फिर मीडिया पर खरी खरी के साथ अगले हफ्ते। सलाम, नमस्कार। We are against the death penalty. They pick up news.